अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मूविंग गोट फार्म। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को डेली के अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, ये सेकेंड वीडियो है शोएब भाई के बकरों की। ये फर्स्ट वीडियो में हमने एक सुजत बड़ा बकरा दिखाया था, माशाल्लाह फुल क्वालिटी वाली। और ये सेकेंड वीडियो में भी इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब क्वालिटी के बच्चे दिखाएंगे। इंशाल्लाह एक ही माँ के बच्चे हैं। सब डिटेल्स हम शोएब भाई से लेंगे, वो कैमरे में नहीं आएंगे इस बार, वीडियो पीछे से ही वॉइस देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम शोएब भाई, ये वीडियो में क्या दिखा रहे हैं और मतलब बच्चों के बारे में बताइए आप। भाई ये दो मेवाती बच्चे हैं जी, और एक ही माँ के बच्चे हैं भाई दोनों। एक ही माँ के बच्चे एक ही माँ के बच्चे भाई। कलर क्यों अलग अलग, जैसे इसका कलर थोड़ा इसका कलर अलग, मतलब ऐसा कैसा भाई? कैसा माँ बाप पे भी फर्क पड़ता है, कोई बाप पे आ जाता है कोई माँ पे आ जाता है कलर। बाकी कन्फर्म एक ही माँ के, बाकी कन्फर्म एक ही माँ के ना भाई, कन्फर्म एक ही माँ के बच्चे। क्योंकि दोस्तों चेहरा झालर कोई चीज में फर्क नहीं, बस कलर का थोड़ा सा फर्क है। अभी इस बच्चे पे चेहरे पे थोड़ा लाइट हो गया और इस बच्चे का डार्क है, फर्क यही है। बाकी कलर से लेके आप पूरा बोन स्ट्रक्चर हर चीज देखोगे तो एक बराबर है बच्चों में। बाकी जो चीज इंशाल्लाह दिखाई गई वीडियो में बहुत ही अच्छी बच्चे है, और बताएगी क्यों अच्छे बच्चे है, क्या रीजन है बच्चों का, आते साल रखना चाहिए इन बच्चों को। तो भाई बताइए बच्चों के बारे में, मतलब क्या क्वालिटी है और क्या मतलब बच्चों में खासियत है भाई? ये बच्चे अभी 8 से 9 महीने के बीच के बच्चे, 8 से 9 महीने के बीच के, माशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरे पास सेट बच्चे भाई। ये आपके पास कब से है? ये मेरे पास तकरीबन डेढ़ रमजान के टाइम से है भाई, कुछ डेढ़ महीने से है मेरे पास ये। तो मतलब आपके पास और छोटे आए थे? ये थोड़े हल्के आए थे भाई, लेकिन अभी तो जब भी तोले भी थे 28 किलो थे। ये बड़ा था जो पहला है, जो लाइट अलग कलर है, ये बड़ा है और वो छोटा था वजन में अभी। लेकिन दोनों का वजन इक्वल है माशाल्लाह से, दोनों ने एक बराबर पे ग्रोथ की है। तो बाकी बच्चों की झालर के मतलब क्वालिटी में इतने में ये उम्र में इतनी झालर है जो हिसाब से देख सकते हो। दोस्तों मैं एक थोड़ा पास से दिखा दूँ झालर, अभी से क्या लटक है इनकी, देखे माशाल्लाह एक बराबर है। कोई ऐसा बच्चा नहीं कि मतलब इसमें झालर की कमी हो, इसमें ज़्यादा हो, इसमें कम हो, एकदम सेम टू सेम झालर है माशाल्लाह। बच्चों की चेहरे की बोलते ना, अभी से नकोटे देखे ये उम्र में, 9-8 महीने के बच्चे पे चेहरा देखे अभी से, माशाल्लाह दोनों ही बच्चे एकदम लाजवाब है दोस्तों। बाकी भाई वेट क्या है, हाइट क्या है, बताओ जरा इन बच्चों की। भाई वेट दोनों का भाई 34 किलो होगा भाई, 33-34 kg होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह प्लस भी हो सकता है, और जो भी जैसा भी रहेगा वीडियो करा के मिल जाएगी दोस्तों। वेट का ऐसा कुछ इशू नहीं, अगर लाइव आके कोई देखेगा तो सामने इंशाल्लाह वेट करा के दे देंगे कांटे पे जी, माशाल्लाह। बाकी भाई अभी मतलब जैसा आप बता रहे हो 8 से 9 महीने के बच्चे हैं और वेट इनका 34-35 किलो है जी भाई। तो हाइट मतलब हाइट क्या होगी इनकी, वो हिसाब से हाइट इनकी होगी 30 से 31 हाइट होगी भाई। नापे जी, नापी हुई हाइट है या अपना? अप्रॉक्स एक हाइट बता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उससे नीचे नहीं होगी भाई। बाकी दोस्तों सबसे मेन चीज इनमें बच्चों की खासियत ये है कि बच्चों की लेंथ जो है, अभी से जो लाइव देखेंगे इंशाल्लाह उसको बेहतर समझेगा, क्योंकि लेंथ अभी से इतनी है कि दोनों बच्चे एक साथ नहीं कैमरे में आ पा रहे, देख सकते हो, या ये बच्चा आ रहा है या तो वो बच्चा आ रहा है। माशाल्लाह उतनी लेंथ है इन बच्चों में अभी से, आगे इन फ्यूचर अच्छी हाइट भी लेंगे इंशाल्लाह, और लेंथ में तो अभी से बादशाह इंशाल्लाह, आगे और अच्छी लेंथ साइज लेंगे। बाकी भाई इनकी झालर आगे क्या मतलब रेंज तक जा सकती है भाई? इनकी झालर इंशाल्लाह और अच्छी लटक और अभी से मतलब जो है पूरी लटक, अभी तो रस्सी बांधते हैं दोस्तों, तो वो रीजन से लटक में थोड़ा आपको दिख रहेगा फर्क, क्योंकि बीच में अभी आज हम लोग ने पैर पे इसलिए बांधते ताकि वीडियो में लोगों को बता सके क्वालिटी क्या है भाई। मैं बता दूं ये बच्चे मैंने लिया था, इनकी झालर देख के मैंने परचेस किया था भाई ये बच्चे, क्योंकि जब बच्चे आए थे माशाल्लाह इनकी जो झालर थी जी और जो चंचल बना था, तो माशाल्लाह वो बोलते ना वो एक ही इसमें मैंने झलक में मैंने माशाल्लाह दोनों को परचेस कर लिया था, और अपने पास तो माशाल्लाह सेट है भाई 1.5 महीने से। और खाने में क्या क्या खा रहे बच्चे वैसे? तो भाई मेरे पास चना चुनी मैं चलाता हूँ बकरों को जी, चना चुनी मिक्स करके मैं दाने में और गोला जीरा मिक्स करके देता हूँ मैं जी, मैं थोड़ा शार्क रोल भी मिक्स करता हूँ जो कि एक अच्छा डाइट हो जाता है प्रॉपर माशाल्लाह। और उसके बाद फिर हरी पत्ती चलती है और रात में फिर दाना हरी पत्ती, अनाज भी उठा रहे सब बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ही बच्चे मिक्स फीड खाते हैं दोस्तों, मैं बता दूं दोनों ही बच्चे मिक्स फीड खाते हैं अभी से, और बहुत अच्छे गेन भी किए उन्होंने 1.5 महीने में, 28 किलो से आगे मतलब 35 किलो होना चाहिए। बाकी बहुत थोड़े दिन पहले तोले थे जब ये 33-34 किलो वेट तुला था, अभी इंशाल्लाह ऊपर भी बैठ सकते हैं। जैसा भी रहेगा आप आइए लाइव, जिस भाई को भी पसंद हो बच्चों में इंटरेस्टेड हो आप आए लाइव देखे, बच्चों का वजन भी करा के देखे आप लोगों को। बाकी क्वालिटी है तो चीज़ है दोस्तों माशाल्लाह। कलर इसका देखे अलग है थोड़ा चेहरे का और बदन का,
बाकी चेहरा सेम है, झालर सेम है, हाइट लेवल हर चीज़ सेम है, एक ही माँ के बच्चे हैं, कोई दो राय नहीं है दोस्तों। बाकी भाई अभी जैसा कि कुर्बानी के टाइम चल रहा, तो लोग बड़े बकरे देख रहे, छोटे के लिए फिर वो कैसा करेंगे? तो भाई मतलब मैं जैसा पूछ रहा था, तो बच्चे अभी लोग बड़े भी ढूंढ रहे हैं, तो अभी आप बच्चे क्यों मतलब सेल पे डाले हो? भाई अपना साल के 12 महीने बच्चों का काम है जी, और कुर्बानी के बड़े बकरों का भी काम है। बाकी अभी जैसा आपने बताया था लास्ट वीडियो में कि कुर्बानी का माल भी इंशाल्लाह मिलेगा, आएगा इंशाल्लाह, जैसा भी रहेगा अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर किसी को बड़ा बकरा चाहिए तो इंशाल्लाह अपने पास एक बड़ा बकरा भी है, क्योंकि 39-40 हाइट पे है, पिंक स्किन हो जाते हैं। वो वीडियो डालो मैंने भाई इससे पहले, देखे भी लोगों ने, और माशाल्लाह अभी बच्चे की जो ये बच्चे है इंशाल्लाह बहुत अच्छे है दोस्तों, आते साल में बहुत लाजवाब बनेंगे। जो भाई भी लेगा इंटरेस्टेड होगा तो मैं भाई का नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी भाई ये सिंगल देना डबल या जोड़ी में ही देना है? भाई जोड़ी में ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सिंगल डबल नहीं दोगे मतलब? सिंगल ऐसा कुछ नहीं भाई, सिंगल डबल दे देंगे भाई, सिंगल कैसा है ना, सिंगल भी दे देंगे लेकिन उसका रेट अलग पड़ जाएगा भाई। और कोई जोड़ी मिलेगा तो इंशाल्लाह जोड़ी में बेहतर है, क्योंकि एक साथ खाते पीते, एक साथ ही बैठना उठना है दोस्तों, अलग नहीं बनते बच्चे, साथ ही में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वही हिसाब से जोड़ी ले, और जोड़ी के काम की चीज़ है माशाल्लाह से। बाकी भाई इनकी कीमत की बात की जाए तो प्राइस अब क्या है? भाई इनकी जो प्राइस होगी मैं इंशाल्लाह कॉल पे बताऊंगा। कॉल पे जैसा लास्ट टाइम भी आपने सुजत का बोले थे कॉल पे, वही हिसाब से इनका भी कॉल पे बोल रहे हो भाई, क्यों ऐसा मतलब? भाई जिसे भाई प्राइस जो होगा इंशाल्लाह मैं कॉल कर दूंगा, और जो कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो इंशाल्लाह मुझे कॉल करिए, मैं प्राइस दे दूंगा। और अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करिए, अगर कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सअप पे भी प्राइस मैं बता दूंगा। तो मतलब आप कॉल पे नहीं, अपना कॉल पे प्राइस बताओगे जी भाई। बाकी दोस्तों चीज़ है माशाल्लाह, क्वालिटी है, बाकी इतना बोलेंगे कि जंगल से दो पैसा सस्ता ही रहेगा इंशाल्लाह। और पालने वाली चीज़ है आपके सामने है, क्वालिटी है, बाहर से क्या रेट के आते हर किसी को पता है ऐसे बच्चे, और इधर इंशाल्लाह उधर से दो पैसा सस्ता ही होगा। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो, शोएब भाई का नंबर मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप शोएब भाई से कांटेक्ट करें और कॉल करें, डिटेल्स वगैरह अगर वीडियो की कोई ऐसा लगता है आपको कि वजन या हाइट में कुछ, तो इंशाल्लाह नाप के तोल के देंगे, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि बच्चे में क्या भाई डिटेल्स गलत होगी, इंशाल्लाह डिटेल्स प्रॉपर आएगी। बाकी बच्चों की कमान हर चीज़ आप लोगों ने प्रॉपरली देख ली है, और इंशाल्लाह चलते हुए वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।